एफआरटी कार में की करंट लगने से मौत का मामला। नमस्कार, आप जुड़े हैं भगवान आराम धोरीमना से और मैं आपका साथी हनुमान। पूरी खबर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लाइन ठीक करने के दौरान करंट लगने से हुई थी मौत। सुरक्षा उपकरण नहीं होने के चलते हुआ था हादसा। दूधू जीएसएस पर कार्यरत था कार्मिक जसराज। मृतक के शव को रखवाया धोरीमना अस्पताल की मोर्चरी में। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे और एफआरटी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की कर रहे हैं मांग। यह मामला धोरीमना के दूधू ग्राम पंचायत का है और सुबह से धोरीमना सरकारी अस्पताल के आगे चल रहा है धरना प्रदर्शन। और धरना प्रदर्शन में कई सारे सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग पहुंच रहे हैं और धरने अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार सरकार से प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन से भी वो लगातार बातें कर रहे हैं और बातों का दौर जारी है और लगातार हम आपको खबरें देने की कोशिश करेंगे। लगातार आप जुड़े रहिए।